IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है वसंत भाग एक कक्षा छह के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। पाठ एक, वह चिड़िया जो, पृष्ठ संख्या एक। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं। मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं। मुझे नदी से बहुत प्यार है। कवि केदारनाथ अग्रवाल। पृष्ठ संख्या दो। पाठ के बारे में कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। प्रश्न अभ्यास कविता से। प्रश्न एक, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। प्रश्न दो, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। प्रश्न तीन, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है? प्रश्न चार, आशय स्पष्ट करो। क, रस उंडेल कर गा लेती है। ख, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। पृष्ठ संख्या तीन, अनुमान और कल्पना। एक, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी पढ़ो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को पढ़कर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा। दो, यहां कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। मैना, कौआ, बतख, कबूतर। तीन, कविता का हर बंध वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए
अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध जोड़ो। 4. तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है, मैं हूं। उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है, जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो। पृष्ठ संख्या 4। भाषा की बात। 1. पंखों वाली चिड़िया, रेखांकित शब्द है पंखों वाली। नीले पंखों वाली चिड़िया, रेखांकित शब्द है नीले पंखों वाली। ऊपर वाली दराज, रेखांकित शब्द है ऊपर वाली। सबसे ऊपर वाली दराज, रेखांकित शब्द है सबसे ऊपर वाली। यहां रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य हैं। यहां वाला अथवा वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, स्कूल वाला रास्ता, हंसने वाला बच्चा, मूछों वाला आदमी। 2. वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है। यहां मोटे छापे वाले शब्द हैं रुचि से। वह चिड़िया रस उंडेल कर गा लेती है। यहां मोटे छापे वाले शब्द हैं रस उंडेलकर। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से सुनो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उंडेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। दिए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छाटो। क: सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। ख: गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। ग: भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। घ: कोई सफेद सी चीज धप्प से आंगन में गिरी। ग: टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। च: तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। छ: आज अचानक ठंड बढ़ गई है। पाठ समाप्त। अभी आप सुन रहे थे ये पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।